हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन एसएससी सीजन 2021 प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में 170 प्लस स्कोर कैसे करें, और ये वीडियो सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने तीन वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि आप मैथ्स में कैसे जितना आपका टारगेट हो वो स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में कैसे कर सकते हो, रीजनिंग में कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीके और करंट अफेयर में मार्क्स अपना ला सकते हो जितना आपका टारगेट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको 170 प्लस का टारगेट करना है तो आपको मैथ्स में 50, इंग्लिश में 45 प्लस और रीजनिंग में 47.5 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो इन तीनों का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप 25 से 30 मार्क्स जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर में ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीके में मैंने जो टारगेट रखा है 25 से 30 मार्क्स का रखा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि 25 से 30 मार्क्स क्यों, सब में 50 मार्क्स, फिर उसमें 45 प्लस मार्क्स और एक में 47.5 मार्क्स, इसमें 25 से 30 मार्क्स क्यों? तो इसमें 25 से 30 मार्क्स रखने का एक रीज़न है क्योंकि जीके एक अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट है। इसमें आपका लक भी डिपेंड करता है और आपका प्रिपरेशन के साथ साथ आपका लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इसमें। और इसमें हमारा जो टारगेट होना चाहिए 20 से 25 मार्क्स ही होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा टारगेट करोगे, सोचोगे कि मैं 40 मार्क्स ले आऊँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको सारा का सारा टाइम जीके में ही देना पड़ेगा, तभी आपको वो अचीव कर पाओगे। और इससे क्या होगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, अब वहाँ पर आपका मार्क्स कम जाएगा। बाकी सब्जेक्ट है जो आपके हाथ में, आप अगर आप अच्छा प्रिपेयर करते हो, मेहनत करते हो, तो उसके मार्क्स ना 50 में 50 आ सकते हैं। लेकिन आप इसमें कितना भी प्रिपेयर कर लो बहुत अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन कहीं ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं पता होगा, तो आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए इसमें 25 से 30 एक आइडियल स्कोर है। अब आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आपको जीके में इम्प्रूव करना है तो आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, 25 से 30 मार्क्स के लिए भी शॉर्टकट नहीं मार सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जीके का नॉर्मल नोट्स कॉपी तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट का एक बार नोट्स जरूर बनाना होगा। आप या तो कोई लेक्चर देख सकते हो, जो एसएससी का कोई कोचिंग करवा रहा हो तो सारे लेक्चर को आपने अपनी नोट्स कॉपी में बना लिया, अलग अलग कॉपी सबके लिए बना लिया और उसको दो तीन बार रिवाइज कर लिया, वो कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो कि अगर आप बुक से पढ़ सकते हो, कोई भी बुक से, अगर लूसेंट से पढ़ सकते हो या फिर कोई भी बुक हो जिसमें जीके अच्छे से दिया हो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आप शॉर्टकट सोचोगे कि सिर्फ क्वेश्चन में कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर, या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ वहीं से जो मार्क्स आएंगे तो हो जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। तब आपके जो मार्क्स आएंगे जीके में सिर्फ 10 आएंगे, 12 आएंगे, मैक्सिमम 15 तक पहुँच सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं जा सकता है। अगर 25 से 30 लाना है तो एक बार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टैटिक जीके के लिए, या फिर आपको कोई भी एक अच्छी सी बुक को मल्टीपल टाइम्स टाइम देकर, डेली आधे घंटे एक घंटे टाइम देकर के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉलिटी में क्या क्या सर रूल्स क्या क्या हैं, ये सब आपको पता हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी में क्या क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, साइंस में, केमिस्ट्री में, तो वो आपको एक बार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एक बार पढ़ लेते हो, दो तीन बार रिवाइज कर लेते हो अपने चैप्टर को, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें इस सब्जेक्ट से, 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर कर सकते हो आप कोई भी एसएससी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको 1000 क्वेश्चंस करने हैं, पॉलिटी है पॉलिटी में 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी है बायोलॉजी में 1000 के आसपास क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, आपको बना लेना। आप कहाँ से बना सकते हो, किरण का बुक ले सकते हो, किरण में ना आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, बायोलॉजी का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, सब आपको मिल जाएगा। तो आपको 1000 करके क्वेश्चंस करने हैं, ये करोगे तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जीके में, यानी कि आपको 5000 के आसपास जीके के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि रेगुलर आप सेक्शनल क्विज दे सकते हो, आपको क्विज देना है, जैसे कि आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, या फिर कोई भी ऑनलाइन ऐप है तो वहाँ पे जीके के क्विज मिलते हैं आपको। आपने हिस्ट्री डाउनलोड कर लिया, हिस्ट्री के क्विज आप दे रहे हो कभी कभी खाली बैठे हो, तो बायोलॉजी हो गया तो बायोलॉजी के आप क्विज दे सकते हो। उसी तरह से
क्वालिटी के दे सकते हो। ऐसे क्या होगा, आप रेगुलर देते रहोगे तो आपको क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस में कुछ कुछ आपको याद होते जाएंगे आपके मन में। दो तीन बार जब क्विज करोगे, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करोगे, तो आपको मन में कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा वो क्वेश्चन, और वही सेम क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं वो याद आ जाएगा। तो मैं हमेशा क्विज दिया करता था, जैसे मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ, कहीं जाना आना है तो मैं मेट्रो में बैठा बैठा क्विज दे रहा हूँ। जैसे कहीं पे मैं अकेला बैठा हूँ तो मैंने जीके खोल लिया, जीके का ऐप खोल लिया, ऐप से मैं क्विज दे रहा हूँ, हिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, जिसका भी मन करता था। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तभी आप जीके में थोड़ा स्ट्रांग हो पाओगे। उसके बाद क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कुछ कुछ, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, जैसे कि रिवर्स, इंडिया में कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, हेल्पिंग रिवर्स कौन कौन से हैं, और बहुत सारे रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उद्गम स्थल क्या है, डैम्स के बारे में कि कौन से रिवर पे कौन डैम बना हुआ है, इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ है, कौन कौन से स्टेट में कौन डैम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, पार्क्स कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, सब ये सब पार्क्स में कौन कौन से जो जो कौन कौन सा एनिमल्स होते हैं, कौन कौन सा जो एनिमल्स के लिए जाना जाता है पार्क, वो सब। करेंसी, करेंसी के बारे में पढ़ सकते हो कि कौन सा नेशन में कौन सा कैप करेंसी चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको, कौन कौन सा डांस फॉर्म्स भी होता है, डांस फॉर्म ट्राइबल्स होते हैं, कौन कौन से एरिया में ट्राइबल्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, कौन कौन सा लेक है, तो ये सब चीज़ों का एक अलग आपका नोट्स होना चाहिए जो आपको अच्छे से गेट बाय हार्ट याद होने चाहिए, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको हमेशा मॉक टेस्ट देना है, उसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर मॉक टेस्ट में, तो 25 में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक जीके का कॉपी भी बना सकते हो, वन लाइनर टाइप का, जिसमें कि जितने भी मॉक में आपको मिले ना उसको वन लाइनर के रूप में लिखते जाओ, हर मॉक से आपको 8-10 मिल गए, लिख लिया, ऐसे करके आप देखो कि कुछ दिन बाद या फिर जहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट मिला वन लाइनर अपने कॉपी में लिखते जाओ और बीच बीच में रिवाइज करते जाओ। ऐसे क्या होगा कि आपका अच्छा खासा 3-4 महीने में अच्छा खासा कलेक्शन बन जाएगा, और उनको 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो उनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जीके जो स्टैटिक जीके है आपको वही करना पड़ेगा, जितना आप वास्ट अपना दायरा बढ़ा सकते हो जीके में, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे, कुछ कुछ पढ़ के चले गए, तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तो कभी मैंने देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। इसलिए आपको एक एक्सटेंसिव स्टडी करके ही जाना पड़ेगा जीके में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं देना जीके में कि 4 घंटे 5 घंटे डेली हम जीके में दे रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो जीके में डेली 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम देना, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात आती है कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर कहाँ से करना है, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के करने हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देखना है, बहुत सारे लेक्चर देखने हैं, आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ के पीडीएफ कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लेने हैं, या फिर कोई बुक मिलता होगा वहाँ से लेना है करंट अफेयर्स का, और उनको मल्टीपल टाइम्स कर लेना है। आपको जो पीडीएफ है ग्रेडअप पे, टेक्स्ट बुक पे, ऑनलाइन सर्च करोगे करंट अफेयर पीडीएफ लास्ट 6 मंथ, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, या फिर अगर आपको नहीं मिलता तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो 1000 अचीवर्स। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, अगर बच्चों से मांगोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को करने हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स कर लेना है, और उन्हीं को पढ़ के चला जाना है एग्जाम में, और वहीं से आपके बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे वो है ओलंपिक, ओलंपिक पे फोकस करना, जितने भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं उस पर फोकस करना, जितने भी प्राइजेस हो गए हैं उस पर फोकस करना है, तो इन सब चीज़ों पे जरूर फोकस करना है, जो भी अवार्ड्स फंक्शंस ये सब पे फोकस करना है, जो नई नई स्कीम्स आती है उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको वही करना है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करके, और 1 महीना पहले से, एग्जाम का 1 महीना पहले से आधे घंटे 1 घंटे टाइम दे करके एक एक पेज कर करके आपको याद करना शुरू करना चाहिए। तो ये था जीके में कि आप जीके में कैसे 25 से 30 मार्क्स ला सकते हो, तो ये इन सब चीज़ों पे आप फोकस करना। ठीक है, जब ये इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो अपने आप आपका 25 से 30 मार्क्स
आ जाएगा। बाकी एक और वीडियो है जो बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको कैसे पॉजिटिव मेंटालिटी रखना है। अगर 170 लाना है तो सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इसमें पढ़ते गए तो आपका मार्क्स आ जाएगा। आपको कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना, और कुछ कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि आप 170 तक पहुँच सकते हो। तो एक लास्ट वीडियो इस सीरीज़ का मैं और बनाऊँगा और वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब तीनों वीडियोस से, चारों वीडियोस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा कि वो वीडियो है। तो वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, वो वीडियो जब देखोगे तभी ये जो पूरा सीरीज है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, मेरा आपको गाइडेंस अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।